السلام علیکم. انڈس ٹی وی کو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، کیونکہ جس آرٹسٹ کو انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ ٹرو اسپرٹ میں پاکستان کے پہلے پاپ اسٹار بھی ہیں، اسٹیج پرفارمر بھی ہیں اور انٹرٹینر بھی ہیں، ایک سپر اسٹار ہیں. اور میں نے بچپن سے ان کی گائیکی تو بہت سنی ہے، لیکن جتنا ان کی پرفارمنس اسٹیج پرفارمنس کے بارے میں سنا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے پیرنٹس، میرے والد صاحب یہاں موجود بھی ہیں آج، انہوں نے لائیو کانسرٹ دیکھا ان کا 58 میں یا 60s میں، اور ملتان اور بہاولپور کے قریب کہیں. اور میں ان سے بہت پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ لوگ بہت دور دور سے آس پاس کے علاقوں سے ان کو صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور ان کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت زیادہ پینیٹریٹنگ تھی، سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور اسٹیج پہ واز لائک اے میجیشن، سب کو انوالو کر لیتے تھے. اور میں جو گانا آج ان کا گا رہا ہوں وہ ان کا بہت ہائی انرجی سانگس میں سے ایک گانا ہے، وچ از اڑن کھٹولا. پہچان ہے کیا نام
उसका यो 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 इंडस टीवी की तरफ से ये ट्रिब्यूट था लेजेंड अहमद रुश्दी के नाम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारी एक रिवायत है, मैं तो उसके लिए दरख्वास्त करूँगा अदाकार नदीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। माज़ ख़वातीन व हज़रात, जिनके लिए आज की यह महफिल सजाई गई है, अहमद रुश्दी साहब, आज उनकी साहबजादी हमारे दरमियान है, राना रुश्दी। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। इंडस की जानिब से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, उसे वो आकर रिसीव करें। और साथ ही मैं कमाल साहब से भी दरख्वास्त करूँगा क्योंकि कमाल साहब का भी रुश्दी साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इंडस टीवी का कि उन्होंने मेरे पापा और आप सबके पसंदीदा गुलकार अहमद रुश्दी के लिए इतना शानदार ट्रिब्यूट का एहतमाम किया। पापा हमारे लिए क्या थे ये तो सिर्फ उनकी बेटियाँ ही बता सकते हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले और हम सबका बहुत नाज उठाने वाले बाप थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं 12-13 साल की थी। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से उनकी हर बात याद है। वो हम लोगों की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। उनकी इतनी बातें और इतनी यादें हैं कि उनको यहाँ पे बयान करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं उनके लिए एक किताब लिख रही हूँ जिसमें उनकी शख्सियत और उनकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ है। हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते इसलिए कि वो हमारे लिए आज भी ज़िंदा हैं अपनी आवाज़ की वजह से। और आखिर में मैं गज़नफ़र साहब का, इंडस टीवी का और आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाकर इतनी इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाए कहीं। ये हसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं।
अफसाना बन